Nice costume, creep. So fuck you! Go home! हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम रॉन्गटन 5 ब्लडलाइंस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये फिल्म रॉन्गटन 4 का सीक्वल है और इस फिल्म में वन आई, थ्री फिंगर और सौतूथ की उस सैनिटोरियम को छोड़ने के बाद की कहानी को दिखाया गया है। ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को भी डेक्लन ओब्रायन ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में डग ब्रैडले, कैमिला एफेसन और साइमन गिंटी है। और आज का शॉर्ट आउट जाता है आकाश, इफात, ललित, रॉक ऑन पीस आउट और पुष्पा काला को। तो आप सभी का हमें प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमें अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और हाँ, हमेशा की तरह इस बार भी आगे बढ़ने के पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो भी स्पॉयलर से भरा हुआ है। फिल्म की शुरुआत में हम वेस्ट वर्जीनिया का एक टाउन फेयरलेक देखते हैं, जहाँ हॉलोवीन के समय में माउंटेन मैन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाना था और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए दूसरे शहर से भी लोग उस शहर में आ रहे थे और सभी लोग शहर के बाहर फेयर ग्राउंड में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाले थे, जहां सभी लोग इस वीकेंड में सिर्फ पार्टी और इन्जॉय करने वाले थे। यहां हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि वो फेस्टिवल कवर कर रही होती है और फिर वो ब्रेक लेकर रनिंग करने जाती है। जब वो रनिंग कर रही होती है तभी सबसे पहले उसके सामने सौतूत आता है, पर वो सौतूत को नाइस कॉस्ट्यूम बोलकर आगे बढ़ जाती है और फिर उसके सामने वन आई और फिर थ्री फिंगर आता है। उसे ऐसा लगता है कि ये बच्चे हैं जो कि यहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए हैं और उन लोगों ने हिल बिलीज का गेटअप लिया है। इसके बाद वो चिढ़कर थ्री फिंगर को अपना मिडिल फिंगर दिखाती है और फिर थ्री फिंगर चाकू निकाल कर उसकी उंगली काट देता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागती है। तभी उसे एक आदमी मिलता है जो उसे इन हिलिकर ब्रदर्स से बचाता है। आगे हम देखते हैं कि ये आदमी उस रिपोर्टर को खुद ही जान से मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी एक सीरियल किलर है और इसका नाम मेनार्ड है। मेनार्ड और ये हिलिकर ब्रदर्स आपस में मिले हुए हैं। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये हिलिकर ब्रदर्स मेनार्ड के लिए ही काम कर रहे हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये तीनों भाई सैनिटोरियम छोड़ने के बाद मेनार्ड के साथ ही रह रहे हैं और ये लोग मेनार्ड से डरते भी हैं और उसका ऑर्डर भी फॉलो करते हैं। आगे हम देखते हैं कि मेनार्ड इन भाइयों पर चिल्लाता है क्योंकि उन लोगों ने उस रिपोर्टर के सामान को मर्डर वाली जगह से नहीं हटाया था और कोई भी प्रूफ इन लोगों को पुलिस के चंगुल में फंसा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम पांच दोस्तों को देखते हैं और ये पाँचों दोस्त भी उस माउंटेन मैन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने आने वाले थे और इन पाँच दोस्तों में दो कपल, बिल्ली और उसकी गर्लफ्रेंड क्रूज, लीटा और उसका बॉयफ्रेंड गस के अलावा इनका दोस्त जूलियन भी होता है। यहाँ जूलियन क्रूज को फेयरलेक सिटी की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि यहाँ रहने वाले लोकल माइनर्स और हिल पे रहने वाले लोगों के बीच में ज़मीन को लेकर विवाद हो गया था और ये विवाद 2 साल तक चला और फिर ईयर 1817 की हॉलीवीन की रात को फेयरलेक शहर में नरसंहार किया गया और पूरे शहर को खून से रंग दिया गया। लेकिन किसी की भी लाश इस शहर में नहीं मिली क्योंकि ऐसा कहा जाता था इन हिल विलीज ने लोगों को मारकर उनकी लाशों को खा लिया था, जिस कारण यहाँ किसी की भी लाश नहीं मिली। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये सभी फ्रेंड्स फेयरलेक टाउन जा रहे होते हैं तभी इनकी गाड़ी के सामने मेनार्ड आ जाता है और उसको बचाने के चक्कर में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब ये सभी गाड़ी से बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि मेनार्ड ज़मीन पर गिरा हुआ है, हालांकि इनकी गाड़ी ने मेनार्ड को टच भी नहीं किया था। जब ये लड़के उसके पास जाते हैं तब वो इन लोगों पर अटैक कर देता है और बिल्ली को चाकू से घायल कर देता है। इसके बाद ये लड़के मेनार्ड को मारना चालू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों हिलिकर ब्रदर्स भी वहीं छुपे हुए हैं और वो इन लड़कों को तीर से मारने वाले होते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ पुलिस आ जाती है और फिर शेरिफ एंजेला सभी को अरेस्ट कर लेती है। उसी दौरान पुलिस को उन लड़कों की कार से ड्रग्स भी मिल जाता है, लेकिन जाते समय शेरिफ डिप्टी को वहीं रुकने को बोलती है ताकि जिस कार का एक्सीडेंट हुआ है उसे टो किया जा सके। और सभी के जाने के बाद ये कैनिबल्स डिप्टी पर अटैक कर देते हैं। वो सबसे पहले उस पर तीरों से हमला करते हैं और फिर उसे जान से मार देते हैं।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सभी टीनेजर पुलिस स्टेशन में अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, क्योंकि ड्रग्स वाली बात अगर सामने आ गई तो इन लोगों को कॉलेज से भी निकाल दिया जाएगा और इन सभी का करियर भी खत्म हो जाएगा। और फिर ये सभी बिली पर भड़कते हैं, क्योंकि बिली ने ही ये ड्रग्स कैरी किया था और अब बिली की वजह से ये सभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इसके बाद बिली शेरिफ को बोलता है कि ये सारा ड्रग्स उसका है और उसके फ्रेंड्स का इस ड्रग्स से कोई भी लेना देना नहीं है। और फिर शेरिफ बिली के दोस्तों को छोड़ देती है और उसके दोस्तों को बोलती है कि वो शहर छोड़कर कहीं ना जाए। इसके बाद शेरिफ एंजेला को ये पता चलता है कि मेनार्ड एक सीरियल किलर है और पिछले 30 सालों से पुलिस उसे ढूंढ रही है। और फिर वो ये इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर्स को दे देती है। वो उसे बोलते हैं कि कल सुबह 10 बजे अथॉरिटीज़ वहाँ आएगी और मेनार्ड को ले जाएगी। लेकिन मेनार्ड ये बातें सुनकर शेरिफ पर हंसता है और उसे बोलता है कि कल सुबह तक तो तुम जिंदा ही नहीं बचोगी। लेकिन शेरिफ मेनार्ड की बातों को सीरियसली नहीं लेती। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों कैनिबल ब्रदर्स फ़ोन का टावर गिरा देते हैं, जिस कारण शहर के सभी फोन्स डेड हो जाते हैं। और फ़ोन के डेड होते ही मेनार्ड शेरिफ की तरफ देखकर स्माइल करता है, लेकिन शेरिफ अभी भी ये नहीं समझ पा रही थी कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। इसके बाद वो कैनिवल शहर के पावर स्टेशन जाते हैं और पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी को कट करने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान वहाँ का गार्ड उन्हें देख लेता है। जब वो उन्हें रोकने जाता है तो वो गार्ड को पकड़कर उसे इलेक्ट्रिक वायर्स के बीच में फंसाकर मार देते हैं। इस कारण वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे शहर में अंधेरा हो जाता है। और अंधेरा होते ही मेनार्ड शेरिफ की तरफ देखकर हंसता है और उसे बोलता है कि मेरे बॉयज आ रहे हैं और अब तुम सब मारे जाओगे। यहाँ शेरिफ उस पुलिस स्टेशन में अकेली थी, क्योंकि डिप्टी जूनियर को उन हिल्लिकर ब्रदर्स ने जान से मार दिया था और दूसरे पुलिस ऑफिसर फेस्टिवल में ड्यूटी कर रहे थे। शेरिफ दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, पर वो कामयाब नहीं हो पाती। और फिर वो लॉकअप में बंद एक ड्रंकर मूस को फ्री कर उसे घर जाने को बोलती है, लेकिन वो शेरिफ को अकेला देखकर उसकी सेफ्टी के लिए वहीं रुकने का निर्णय लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सभी फ्रेंड्स एक मोटेल में रुके हैं और क्रूज बिली के लिए डिनर लेकर वहाँ से निकलती है। और इसके बाद लीटा और गस को प्राइवेसी देने के लिए जूलियन भी वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रूज जब रास्ते से जा रही होती है तभी वहाँ उसे थ्री फिंगर दिखता है। वो थ्री फिंगर को देखकर डर जाती है और वहाँ से भागती है, लेकिन थ्री फिंगर उसे चेस करता है और फिर उसके पेट में चाकू मार देता है। थ्री फिंगर जब उसे मार रहा होता है उसी दौरान जूलियन भी वहीं पास से गुजर रहा था, लेकिन जूलियन का ध्यान इस तरफ नहीं आता और फिर क्रूज की वहीं मौत हो जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि शहर के सभी लोग शहर के बाहर फिर गार्डन्स में फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए उस वक्त शहर में वहाँ कोई भी नहीं था। आगे हम देखते हैं कि जूलियन जब पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो वहाँ क्रूज को ना देखकर वो शॉक होता है और उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है क्रूज वापस मोटेल चली गई होगी। यहाँ हम देखते हैं कि मेनार्ड उन लोगों को बोलता है कि उसके बॉयज क्रूज को भी मार देंगे और फिर वो इन सब को भी मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीटा और गस एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। इसके बाद लीटा जब शॉवर लेने जाती है तब ये हिल्लिकर ब्रदर्स डोर नॉक करते हैं। गस जब डोर ओपन करता है तो ये उस पर अटैक कर उसे वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब लीटा को वनाई पकड़ने की कोशिश करता है तब वो उसे चाकू से स्टैब कर वहाँ से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं कि ये तीनों कैनिवल्स गस को बांधकर उसके पैरों को हथौड़ों से मार मार कर तोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के डोर को कोई नॉक करता है। बिली को लगता है कि शायद ये क्रूज होगी, पर वहाँ शेरिफ का पति होता है जो कि उसके लिए खाना लेकर आया था। शेरिफ के पति के जाने के बाद ये कैनिवल्स गस को लेकर आते हैं और उसे पुलिस स्टेशन के सामने ही फेंक कर चले जाते हैं। यहाँ गस चल भी नहीं पा रहा होता है और वो चीख चीख कर हेल्प मांग रहा होता है। शेरिफ जैसे ही उसकी हेल्प करने जाती है वहाँ वो कैनिवल्स वापस आते हैं और शेरिफ और उसके दोस्तों के सामने ही गस को ट्रक से कुचल कर चले जाते हैं और गस की भी वहीं मौत हो जाती है। ये सभी डर कर वापस पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और यहाँ मेनाड़ी ने बोलता है कि मेरे बॉयज आ गए हैं और अब तुम सब मारे जाओगे। यहाँ शेरिफ सबसे पहले बिली को फ्री करती है और फिर बिली जूलियन और मूस को डिप्टी नियुक्त करती है ताकि ये लोग उसकी हेल्प कर सकें। इसके बाद शेरिफ सामने वाले स्टोर में जाती है ताकि वहाँ मौजूद जनरेटर का यूज़ कर रेडियो के ज़रिए हेल्प बुला सकें। और फिर वो एक लड़के से संपर्क करने में कामयाब भी हो जाती है,
लेकिन जब वो उस लड़के को बताती है कि उसके ऊपर हिलबिलीज ने अटैक कर दिया है और उसकी और बाकियों की जान खतरे में है, तब उस लड़के को ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो शेरिफ की बातों को सीरियसली नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ लेटा भी पुलिस स्टेशन पहुँचती है और जब वो डोर नॉक करती है तभी मूस शूट कर देता है। हालांकि उसे गोली नहीं लगती पर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ लीटा के फ्रेंड्स मूस पर गुस्सा होते हैं और उससे गन छीन लेते हैं क्योंकि उसने ऑलमोस्ट लीटा को मार ही दिया था। यहाँ गोली की आवाज़ सुनकर शेरिफ भी वहाँ वापस आ जाती है और फिर लीटा शेरिफ को सारी बातें बताती है। इन सब घटनाओं के कारण बिली क्रूज को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है और वो शेरिफ को बोलता है कि वो क्रूज को ढूंढने बाहर जाना चाहता है और फाइनली वो शेरिफ को इस बात को लेकर कन्विंस भी कर लेता है। इसके बाद बिली और जूलियन क्रूज को ढूंढने जाते हैं। आगे जाने के बाद इन लोगों को क्रूज की डेड बॉडी दिखती है और बिली क्रूज की डेड बॉडी को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी इन्हें वहाँ थ्री फिंगर दिखता है और ये दोनों थ्री फिंगर के पीछे भागते हैं, लेकिन ये एक ट्रैप था क्योंकि जब ये लोग थ्री फिंगर का पीछा करते हैं तभी वनाही और सौतूत इन लोगों पर अटैक कर देते हैं और फिर जब इन्हें होश आता है तो ये दोनों खुद को फुटबॉल ग्राउंड में पाते हैं जहाँ बिली गले तक ज़मीन में गड़ा होता है और जूलियन के पैर चैन से बंधे होते हैं जिस कारण ये लोग कहीं भाग भी नहीं पाते। इसके बाद थ्री फिंगर वहाँ स्नोब्लोअर लेके आता है। थ्री फिंगर पहले बिली पर स्नोब्लोअर चढ़ाता है जिस कारण उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो जूलियन को भी उस स्नोब्लोअर से रौंद देता है। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ मूस को अपनी गाड़ी लेकर हेल्प लाने भेजती है और मूस जब हाईवे से जा रहा होता है तभी उसकी गाड़ी रोड पर बिछाए गए कांटों वाले तार से टकरा जाती है जिस कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब मूस को होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और ये हिल्लीकर ब्रदर्स उसके चारों ओर पेट्रोल डाल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेनार्ड लगातार लीटा को डरा रहा होता है और उसका माइंड वॉश कर रहा होता है कि यदि उसने बाहर निकलने में उसकी हेल्प की तो उसके लोग उसे जिंदा छोड़ देंगे। इसी दौरान वो कैनिवल मूस को एक ड्रम में बंद कर उसके चारों ओर आग लगा देते हैं और मूस की चीखें पुलिस स्टेशन तक सुनाई देती है। तभी शेरिफ लीटा को गन देकर वहीं रुकने को बोलती है और वो मूस को बचाने जाती है। जैसे ही शेरिफ उस बिल्डिंग के पास पहुँचती है जिसके अंदर मूस था वो बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है और वहीं पुलिस स्टेशन के अंदर मेनार्ड लीटा को डराकर अपने लॉकअप का डोर ओपन करवा लेता है और फिर आज़ाद होने के बाद वो लीटा की दोनों आंखें निकाल लेता है। लीटा हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए उस पुलिस स्टेशन से बाहर आती है। तभी मेनार्ड भी बाहर आता है और वो शेरिफ को शूट करने वाला होता है लेकिन उससे पहले ही शेरिफ उसे शूट कर देती है। इसके बाद शेरिफ उन दोनों को वापस पुलिस स्टेशन के अंदर लेके आती है और मेनार्ड को वापस से जेल में बंद कर देती है और फाइनली वो खुद हेल्प लेने जाती है। आगे हम देखते हैं कि उसको उसका पति एक कार में बंधा मिलता है। तभी वो कार का डोर खोलकर उसको बचाने की कोशिश करती है लेकिन उन कैनिवल्स ने शेरिफ के पति को इस प्रकार बांधा था कि जैसे जैसे उसका डोर ओपन हो रहा था ब्लेड से उसका पति कटता जा रहा था। जब तक शेरिफ को ये रियलाइज होता तब तक बहुत देर हो जाती है और उसका पति उसके हाथों ही मारा जाता है। तभी थ्री फिंगर अपने ट्रक से उस कार को टक्कर मारता है। यहाँ शेरिफ उस टक्कर से बच जाती है और फिर वो थ्री फिंगर के पैरों में गोली मारती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उसके गन की लास्ट बुलेट थी। इसके बाद थ्री फिंगर उसे मार मार कर बेहोश कर देता है और उसे घसीटते वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के अंदर मेनार्ड लगातार लीटा को डरा रहा होता है। वो उसे बोलता है कि वो और उसके बॉयज उसे मारने के पहले उसका रेप करेंगे और फिर उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। यहाँ लीटा इरिटेट होकर पुलिस स्टेशन से बाहर चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेनार्ड और उन कैनिवल्स ने शेरिफ को लॉकअप के अंदर बांध के रखा है और ये लोग पूरे पुलिस स्टेशन में पेट्रोल डाल रहे हैं। यहाँ मेनार्ड एक गन को इस प्रकार फिक्स करता है कि जैसे ही शेरिफ अपना टूस जमीन पे रखेगी उस गन का ट्रिगर पुल हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। यहाँ मेनार्ड ने शेरिफ को दो ऑप्शन दिए थे, एक आसान मौत और एक जलकर तड़प तड़प कर मरने का और फिर मेनार्ड वहाँ आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ शेरिफ के चारों ओर आग लग जाती है और आग उसके
करीब आते जाती है और फिर शेरिफ अपना टो जमीन पर रखकर खुद को ही शूट कर देती है। यहाँ मेनार्ड जैसे ही ट्रक में बैठता है उसे गन के चलने की आवाज़ आती है और वो समझ जाता है कि शेरिफ ने आसान मौत चुन लिया है। आगे हम देखते हैं कि लीटा रोड पर हेल्प मांगते हुए जा रही होती है, तभी उसे एक गाड़ी की आवाज़ आती है और वो हेल्प मांगती है। यहाँ हम देखते हैं कि ये गाड़ी मेनार्ड और इनकानिवल्स का ही ट्रक होता है और फिर थ्री फिंगर लीटा के पास आता है और उसे ट्रक में बिठा देता है। लीटा रोते हुए बोलती है कि उन लोगों ने शेरिफ और मेरे फ्रेंड्स को मार दिया है। तभी मेनार्ड उसे बोलता है वेलकम होम और मेनार्ड की आवाज़ सुनते ही लीटा चीख चीख कर रोने लगती है और फिर ये लोग उसे अपने साथ ही ले जाते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। यहाँ इस मूवी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप रॉन्ग टर्न 4 और 5 को रॉन्ग टर्न का प्रॉपर प्रीक्वल नहीं कह सकते, इसलिए हमें इसे रॉन्ग टर्न का रिबूट कहना चाहिए क्योंकि कुछ बातें हैं जो प्रॉपर मैच नहीं होती। जैसा कि फिल्म रॉन्ग टर्न, रॉन्ग टर्न 4 और रॉन्ग टर्न 5 की कहानी 2003 पर ही बेस्ड है और रॉन्ग टर्न में हमने देखा था कि मेनार्ड एक बूढ़ा आदमी है, जबकि इस फिल्म में मेनार्ड को उतना बूढ़ा नहीं दिखाया गया है। और साथ ही रॉन्ग टर्न 2 में हमने देखा था कि ये कैनिवल्स मेनार्ड की ही फैमिली है, मतलब मेनार्ड के ही बच्चे हैं, लेकिन इस फिल्म के हिसाब से इनका कोई ब्लड लाइन ही नहीं बनता। और साथ ही हमें मेनार्ड की जो फैमिली दिखाई गई थी जिसमें इन कैनिवल्स के साथ ही साथ पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर भी थे, इस फिल्म की कहानी के हिसाब से वो कहानी भी कहीं मैच नहीं होती। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप सभी रॉन्ग टर्न 4 और रॉन्ग टर्न 5 को एक अलग स्टोरी के जैसे देखें। दूसरे शब्दों में आप इन मूवीज़ को रॉन्ग टर्न का रीबूट माने। तो इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और आप हॉलीवुड डायरी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपने अभी तक हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बार फिर से आप सभी का हॉलीवुड डायरी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।